हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हम अभी कारूपुर के साइड में, आप देख सकते हैं एक चौपाटी है, और चौपाटी पे सभी लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग, और जा रहे हैं अभी बैग को लेकर, बैग की चैन लगाने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक लग गया था कि ये रूम छोड़ रहे कहीं के, अचानक से बैग लेके निकल गए, तो मुझे लग रहा था कि ये लोग रूम छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत ही बेकार लग रहा था। लेकिन पता चला कि ये तो बैग की चैन लगाने जा रहे हैं, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अभी जाते हैं, बैग की चैन लगाते हैं, फिर आपसे और बात करते हैं। तो गाइस, अभी चैन नहीं लगा रहे हैं, क्या है, काफी महंगा बोल रहा है, कम से कम 80 रुपये बोल रहा है, और 80 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। 80 रुपये हम नहीं देने वाले, कम से कम 50 रुपये देंगे, मान नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं भैया महंगाई बढ़ गई है, GST लगा के वो अपना बिल बना रहे थे 80 रुपये, तो अब हम लोग 80 रुपये नहीं देंगे, 30 रुपये GST लगा रहे थे। अब हम जा रहे थोड़ा देखते दुकान में, देखते वहाँ पे शायद सस्ते में काम हो जाए, और इनको कटिंग भी कराना है। वैसे कटिंग तो मैंने करवा लिया हूँ, देख देख सकता हूँ, चेहर अभी बेकार है यहाँ पे। अब देखते हैं GST कम लग जाए, वहीं लगा के हम लोग अपना चेहर जो है, हाँ यहाँ पे हो सकता है शायद, यहाँ पूछ लो, इधर 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 GST लगे गए यहाँ भैया, चेहर लगवाना तो लगा देंगे, नया चेहर कितने में लगता है? GST तो नहीं लगाऊंगा भैया, नहीं लगेगा भैया, भैया ने बोल दिया GST नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। वहाँ पे गए थे, GST लगा रहे थे 30 रुपये 50 रुपये के ऊपर, तो इसलिए हम वहाँ से रिटर्न आ गए। अब हम यहाँ पे चेन लगवाते हैं नई वाली। तो अभी हमको लॉक पसंद नहीं आ रहे, भैया अलग से मंगवा रहे हैं, अभी कॉल करके मराठी में बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। वो कालेश्वर मंदिर के जस्ट सामने है, आप भैया की शॉप में आ सकते हैं, यहाँ पर आप चप्पल सिलवाने के लिए आ सकते हैं, चेन लगवाने आ सकते हैं, और जो भी है अपने फटे फूटे बैग की चेन है उनको ठीक करवाने आ सकते हैं। फाइनली हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखते हुए, नहीं तो अभी हमारे ऊपर गाड़ी आ जाती, और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। तो अभी एक मंदिर है, और इस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं यहाँ से। मंदिर आए थे गाइस, मंदिर यहाँ पे ताला लगा हुआ है, वैसे हम दर्शन के लिए आए थे बट ताला लगा हुआ है, अब हम रिटर्न जाएंगे यहाँ से। और एक बार आए थे नाइट में तो ताला खुला हुआ था, लेकिन पता नहीं आज बंद है, चलो यहीं से रिटर्न होते। ये है प्रवेश द्वार, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रवेश द्वार है यहाँ पर, ये सेनापति खड़े हैं, इसे हम लोग रिटर्न चलते हैं। और जस्ट फ्रंट में यहाँ पे आप देख सकते हो मंदिर है, मंदिर में हम लोग अभी गए थे दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन वो लॉक लगा हुआ है, इसके वजह से अभी हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं कपड़े वाली शॉप में, अभी हमारा दोस्त वहाँ बैठा हुआ है, अब वहाँ पे अभी कपड़े उसके रेडी हुए कि नहीं हुए, अब देख लेते हैं थोड़ी देर। और हमारा दोस्त बैठा हुआ है आधे घंटे से, इसका नंबर नहीं लग रहा है, नंबर आ ही जाएगा बस थोड़ी देर में। तो है गाइस, फाइनली हम लोग का काम हो गया, मार्केट आए थे, मार्केट नहीं गए, इसीलिए हम लोग अब रिटर्न जा रहे हैं यहाँ से। अभी हमें कुछ नहीं खरीदना है, मार्केट आए थे लेकिन अब कुछ नहीं खरीदते, काफी भीड़ है, मौसम भी देख सकते हो मौसम कितना अच्छा है, और पानी भी आ सकता है, तो हमको जल्दी रूम जाना है, काफी दूर है यहाँ से 5 किलोमीटर के समथिंग। और बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ में, कितनी ट्रैफिक है आप देख सकते हो यहाँ से, बहुत तेज रफ्तार से आती है यहाँ पे गाड़ियाँ, और हम कटिंग कर दो यार हमारे दोस्त की जल्दी जल्दी। सोमनाथ तुझे क्या करवाना है? तुझे पूरी कटिंग करानी है? नहीं नहीं, हम तो बस फर्स्ट क्लास है, कटिंग चलनी पहले ही करवा के आए। तो हे गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।